YouTube चैनल डिप्लोमा वाला। तो आज का हमारा UPTSSC प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन पहला नंबर है, सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। जो सूर्य मंदिर है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय जी ने किया था, जो कि द्रविड़ शैली का एक सुंदर उदाहरण है। तो हमारा विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंटक सुदन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था? ए राष्ट्रकूट, बी कुषाण, सी चोल, डी मौर्य। तो कंटक सुदन नामक न्यायालय का प्रचलन जो था मौर्य वंश में था। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना वेद है ये ऋग्वेद है। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति का पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? ए सोना, बी कांसा, सी पत्थर, डी टेराकोटा। तो जो हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी है की मूर्ति है कांसा का उपयोग करके बनाई गई थी, जो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाई गई थी। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? ये 1442, बी 1472, सी 1458, डी 1498। जो वास्को डिगामा है 20 मई 1498 को कालीकट पर पहुंचा था, जो वहां पर तत्कालीन शासक जमोरिन द्वारा भविष्यागत किया गया था उसका। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? ये बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी वी डी सावरकर। जो 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वी डी सावरकर जी ने प्रदान की थी। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लंदन में विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? ये मदनलाल डिंगरा, डी बी सुखदेव थापर, सी खुदराम बोस, डी सूर्यसेन। तो जो मदनलाल डिंगरा जी ने लंदन में विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी 1909 में की थी, जिसके कारण 1909 में ही इन्हें लंदन के एक जेल में फांसी की सजा दी गई थी। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अतः हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 1905, बी 1931, सी 1947, डी 1942। तो जो गांधी इरविन समझौता है वर्ष 1931 में गांधी व इरविन के मध्य हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था, कांग्रेस को द्वितीय सम्मेलन में शामिल होना पड़ा था। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, बी विविगिरी, सी राजगोपालाचार्य, डी लॉर्ड डलहौजी। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। अतः हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? नेपाल, बी ईरान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो जो नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है, किंतु ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। अतः हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। नंदा देवी चोटी है जो उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है, जो कि 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? ए खेतड़ी, बी गया, सी क्योंझर, डी सतना। जो खेतड़ी राजस्थान का झुंझुनू जिले में एक स्थान है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी। तो आपको पता होगा पृथ्वी हमारी जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, अतः 2 घंटे के अंतराल में वह 30 डिग्री देशांतर घूम जाएगी। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका, डी एशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका,
आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, बी 15 अगस्त 2014, सी 8 नवंबर 2016, डी 2 अक्टूबर 2015। तो जो भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, तर्क विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RBI का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी मुंबई, डी नासिक। तो RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ए संतोष कुमार, बी YV रेड्डी, सी उदय कुमार, डी डॉक्टर रंगराजन। जो भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह है, गुवाहाटी से संबंधित थे, उदय कुमार जी ने डिजाइन किया था, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1949, डी 1952। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जिसका स्थान 2015 में नीति आयोग ने ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ₹1,00,000 का तक का मुद्रा लोन ऋण प्रदान करता है? ए 10 लाख, बी 5 लाख, सी 20 लाख, डी 50 लाख। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो 10 लाख रुपये तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है, तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें शिशु को 50,000, किशोर को 5 लाख तथा तरुण को 10 लाख रुपए ऋण देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो है लोकसभा व राज्यसभा दोनों में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, जो कि लोकसभा में 80 तथा राज्यसभा में 31 सीटें हैं, अतः हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है? अपने निर्वाचन की तारीख से, बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी अपने पद ग्रहण के दिन से, डी निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से, अतः हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रतिकरण किससे व्यादेशित है? ये संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, सी 7वीं अनुसूची द्वारा, डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो जो भारत आर्टिकल 50 है, इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण दिखाया गया है, अतः जो कि DPSP में आता है, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं? ये संघ सूची, बी राज्य सूची, सी सम्मति सूची, डी अवशिष्ट सूची। तो जो सम्मति सूची है, इस पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, किंतु अगर उनके कानून में अंतर विरोध है तो संघ जो कानून बनाएगी वही मान्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ए वर्ष में 1 बार, बी वर्ष में 2 बार, सी वर्ष में 3 बार, डी वर्ष में 4 बार। लोकसभा के जो सत्र बुलाए जाते हैं उनमें जो गैप होना चाहिए मैक्सिमम 6 महीने में से अधिक नहीं होना चाहिए, अतः वर्ष में 2 बार कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है? ए उल्टा, बी सीधा, सी झुका, डी मुड़ा। जो समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब है सदैव सीधा वस्तु के बराबर तथा आभासी होता है, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी अल्पतम विपत्ति लेंस, डी सिलेंड्रिकल लेंस। जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की वस्तुएं तो दिखती है किंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती हैं किंतु निकट की वस्तु नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष के से पीड़ित व्यक्ति के सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्न अनुसार हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? ए टिन, बी पोटेशियम, सी पारा, डी टंगस्टन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जिसका जो प्रतीक होता है HG होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, की कमी से रिकेट्स का रोग होता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन बी, सी विटामिन ए, डी विटामिन सी। तो जो विटामिन डी की कमी से है रिकेट्स रोग होता है, तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दों से संबंधित है। ए ऑप्थेल्मोलॉजी, बी कार्डियोलॉजी, सी ओटोरिनोलेरिंगोलॉजी, डी नेफ्रोलॉजी। तो चिकित्सा विज्ञान की शाखा गुर्दों से संबंधित है वह है नेफ्रोलॉजी। तो हमारे विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी मैसूर, डी हैदराबाद। जो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सामूहिक योगाभ्यास किया है कर्नाटक के मैसूर में किया था। अनुमान विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? ए कुरील द्वीप, बी सेनेगल द्वीप, सी ओकिनावा द्वीप, डी सोडो द्वीप। तो जो जापान और रूस के मध्य विवाद है वह कुरील द्वीप को लेकर है, जिसे जापान में टेरिटोरियल द्वीप माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश है? ए जापान, बी भारत, सी वियतनाम, डी दक्षिण कोरिया। तो मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बन गया था। हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है? ए INS कलवरी, बी INS खंदेरी, बी सी INS वागीर, डी INS वागसीर। तो जो हमारी 6वीं पनडुब्बी श्रृंखला की जो 6वीं पनडुब्बी है वह हमारा INS वागसीर है। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? ए एम रामाकृष्णन, बी देव सहायम पिल्लई, सी शिवा केशवन, डी एस देवराजन। तो जो देव सहायम पिल्लई हैं इन्हें मरणोपरांत संत घोषित किया गया। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? ए सुनील अरोड़ा, बी अनूपचंद पांडे, सी राजीव कुमार, डी सुशील चंद्रा। जो मई 2022 में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त में राजीव कुमार जी ने पदभार ग्रहण किया है, जिन्होंने सुशील चंद्रा जी का स्थान ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? ए INS वलसुरा, बी INS विक्रांत, सी INS नौसुरा, डी INS हिमाद्री। तो मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के INS वलसुरा को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मान है युद्ध व शांति में किसी जो युद्ध संबंधी जो भी कार्य करता है उसकी असाधारण सेवाओं के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो जो देश का प्रथम राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला है वह उत्तराखंड है। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो जो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया? ए विनीत जोशी, बी राधिका झा, सी निधि छिब्बर, डी आर के अग्रवाल। तो जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं निधि छिब्बर जी को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ए केरल, बी राजस्थान, सी असम, डी हरियाणा। तो जो असम में गमोचा एक राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा राज्य साझा नहीं करता वो है मध्य प्रदेश। हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय है? ए जकार्ता, बी मेलबर्न, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। जो यूनेस्को का मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस के पेरिस में है। हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ए गणित, बी चिकित्सा, सी
रसायन या शास्त्र जो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। ए मागपाई, बी तोता, सी मोर, डी काला कौआ। तो भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम काला कौआ, तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। जो सोमनाथ मंदिर है वह गुजरात में स्थित है, तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, या भगवान शिव जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। 8 जून, बी 15 जून, सी 2 मई, डी 15 मई। तो 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए अनिरुद्ध सूरी, बी सलमान खुर्शीद, सी प्रियम गांधी मोदी, डी राजीव भाटिया। तो जो सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं वरिष्ठ कांग्रेस जो मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के इस 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। ये हैदराबाद एफसी, बी केरला ब्लास्टर, सी बेंगलुरु एफसी, डी जमशेदपुर एफसी। जो हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 की 8वें संस्करण का खिताब है, हैदराबाद एफसी ने केरला ब्लास्टर को 3-1 से पराजित करके जीत लिया है, अतः हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ये डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले, बी वासुदेव मोही, सी प्रोफेसर रामदास मिश्र, डी डॉक्टर शिवा रेड्डी। तो जो 31वां सरस्वती सम्मान है वह प्रोफेसर रामदास मिश्र जी को प्रदान किया गया, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद।